फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संजू पंडित ब्लॉग्स। तो आज का जो ब्लॉग है, आज हम आए हैं जंगल अपने दोस्त के साथ। ये मेरा पीछे है दोस्त, उधर थोड़ा फोटो वोटो ले रहा है। और आज का जंगल दिखाते हैं आप लोग को कैसा है हम लोग हमारे घर तरफ का जंगल। तो देखिए गाइस, ये रहा पूरा प्लेस, ये रहा रोड, ये रहा इधर गाँव जो इधर ए साइड वाली है, इधर की इधर है गाँव जो दिख नहीं रही है। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना स्किप किए। ये झारखंड का फॉरेस्ट है, मतलब काफ़ी ख़तरनाक और काफ़ी बढ़िया। मैं आप लोगों को पूरा फॉरेस्ट दिखाने वाला हूँ, कैसा प्लेस है हमारे झारखंड तरफ का, हमारे गाँव तरफ का, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम लोग हमारे घर तरफ से 2-3 किलोमीटर के रेंज में पड़ता है। मैं आप लोगों को पूरा व्यू दिखाऊंगा। हम लोग 3 लोग आए हैं, ये मेरा देखिए एक दोस्त यहाँ पे बैठा है और एक दोस्त हमारे साथ है। और ये हम लोग जाएंगे इधर का, देखिए भाई इधर का जो सिर्फ पहाड़ है सिर्फ, और इधर उसके पहाड़ के वो साइड सब गांव है। तो देखिए भाई इधर का मतलब फ़ोटो शूट करने के लिए फ्रेंड्स लोग बहुत लोग आते हैं इधर। देखिए एक लोग इधर आया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे दोस्त लोग जो काफ़ी दूर दूर से आते हैं इधर फ़ोटो लेने के लिए। काफ़ी बढ़िया प्लेस है इधर का, तो आगे दिखाते हैं। इधर का जो मोड है गाइस बहुत तीखा रोड है, ठीक है गाइस। फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आज का जो मौसम भी है काफी मस्त है, आज का सुहाना मौसम है, आज धूप भी नहीं है, बहुत कम धूप है। देखिए तो फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहते हैं कि आज हम लोग जा रहे हैं मालदा पटना। अब सोचे हैं कि जाते जाते मन बन गया कि यहाँ पर अगर मालदा पटना जा ही रहे हैं तो झारखंड का सबसे बड़ा ब्रिज जो है मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। आप लोग वीडियो में इन तक बने रहिए, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लोग को अच्छा लगे ऐसे ही। तो फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहते हैं कि इधर का नज़ारा देखिए, इधर का नज़ारा काफ़ी बढ़िया है गाइस। और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, थोड़े दूर के आगे उधर एक बैंड्रो बाबा है, उधर भी पूजा होती है इधर का। इधर ही रुक। आप लोग को यहाँ से घूमने का जगह भी दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो साइनिंग लगा है, ये बोर्ड जो लगा है, इधर ही से गली है। इधर जाने के बाद मैं सीधे आप लोग बैंड्रो बाबा के पास चले जाइएगा, यहाँ ठकुराही का पूजा ज़्यादा पड़ता है। झारखंड में एक रीति रिवाज है ठकुराही, इधर बहुत ज़्यादा पूजा होती है। इधर का प्लेस देखिए गाइस, इधर काफ़ी बढ़िया जो जंगल है बहुत ही मन भावुक है। और आज का जो मौसम तो कहो ही मत यार, जब तक वीडियो बना रहा हूँ मतलब बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आज का मौसम जो है ना मतलब काफ़ी बढ़िया है यार, काफ़ी बढ़िया भी है। अब शिमला, इधर का पूरा शिमला का प्लेस लग रहा है भाई। क्या हाँ, जय ठाकुर बाबा की। जंगल से भटकते भटकते आ गए हैं हीरो का शोरूम। यार गाड़ी तो बहुत झकास है भाई, तो आप लोगों को वीडियो में दिखाते हैं गाड़ी यहाँ हीरो का शोरूम कैसा है और कैसा बाइक है। गाइस ये सब रही बाइक हीरो को, यार झकास है। बाइक और स्कूटी मतलब बढ़िया बढ़िया जो मॉडल में बाइक आई है, देखिए हीरो में पता तो बढ़िया बढ़िया प्लेस में, ये भी न्यू मॉडल में है ये वाली बाइक हीरो। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को जो बोले थे कि जो झारखंड का सबसे लंबा जो पुल है, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब देखिए मेरे दोस्त लोग बैठे हैं यहाँ पे, अब देखिए गाइस कितना लंबा है, मैं आप लोग को पूरा व्यू दिखाता हूँ। देखिए ये कम से कम 1.5 किलोमीटर तक है, मतलब इधर से भी इतना दूर है, पूरा बहुत दूर तक, पूरा छोर तक। और इधर से भी देखिए 5 किलोमीटर था, 1.5 से 2 किलोमीटर है भाई। और तुम लोग को ये इसके बारे में कुछ जानकारी है क्या, बताओ। हाँ यही झारखंड का लंबा ब्रिज है, सबसे लंबा ब्रिज यही है ना। ये गाँव का प्लेस है भाई, तो देखिए बाहर का भी जो प्लेस है ना
वो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे कर देता है। जो पहाड़ वहाड़ है सबसे बढ़िया यहाँ लगता है, चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं आप। और तो फ्रेंड्स ये गाँव का जो झारखंड का सबसे लंबा पुल है, तो आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट करके बताएं, और जल्दी से जल्दी ये वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के पास लाने वाला हूं जो आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।